अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। कल एक सवाल करा रहा था और उसका पार्ट ए किया था। उन कैश फ्लोज में से जो मेंटेनेंस वाला पॉइंट था उस पर कोई एतराज है तो बताएं। नहीं, ठीक है। पार्ट बी करते हैं इसका। पार्ट बी के लिए लास्ट पैराग्राफ पढ़ लें दोबारा। सवाल का लास्ट पैराग्राफ दोबारा पढ़ लें। ए का आंसर था कि सारी पॉसिबल ऑप्शंस कंपेयर की थी और जो कि मैंने पूरा सवाल सॉल्व नहीं किया था ना, तो आपको बस पार्ट ए का आंसर बता देता हूं। इसके पार्ट ए के आंसर में 4 ईयर साइकिल बेस्ट था और इसका ईएसी था, कल किया था सॉल्व, चलो ठीक है, 9766। हाँ, कॉस्ट दिया, क्या दिया ना, बस इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। ऑप्शन 4 ईयर साइकिल वाली बेस्ट थी क्योंकि सबसे कम ईएसी इसका आ रहा था। पार्ट ए हो गया। लास्ट पैराग्राफ में कहा हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग मशीन है वैसे तो ये फारिग हो गई थी, लेकिन अगर हम इसका इलाज करा लें तो मैक्सिमम 2 साल उसको और घसीट सकते हैं। अगर हम फौरन 5500 खर्च कर दें तो 1 साल और चल जाएगा, और अगले साल दोबारा 5500 खर्च कर दें तो फिर 1 साल और चल जाएगा, बस उसके बाद इसकी बस हो जाएगी। तो ये जो एग्जिस्टिंग मशीन है ये 2 साल और इस्तेमाल हो सकती है, उसके बाद क्या करेंगे? बंद कर देंगे फैक्ट्री? नहीं, उसके बाद तो नई खरीदेंगे। अच्छा, वो जो नई खरीदेंगे पार्ट ए में, उसके लिए क्या डिसीजन हो चुका कि 4 ईयर साइकिल बेहतर है। पार्ट बी में पूछ रहा है डिटरमिन द ऑप्टिमम पॉइंट इन टाइम फॉर टेकिंग द एग्जिस्टिंग मशीन आउट ऑफ सर्विस, यानी एग्जिस्टिंग मशीन को हम कब रिटायर कर दें। अच्छा, कब कब कर सकते हैं? अभी कर सकते हैं, 1 साल बाद कर सकते हैं, 2 साल बाद कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग मशीन को अभी खत्म कर दें, 1 साल बाद खत्म कर दें, या 2 साल बाद खत्म कर दें, ये पूछा हुआ है। तो सबसे बेहतर क्या होगा, ये है सवाल की रिक्वायरमेंट। अगर इसका जवाब हम इस तरह करें, पार्ट बी कर रहा हूं, अगर हम एक ऑप्शन ये रख लें कि एग्जिस्टिंग मशीन को अभी छोड़ दें, यानी फौरन के फौरन रिप्लेस कर लें, तो एग्जिस्टिंग मशीन पे क्या खर्चा होगा?
कुछ भी नहीं, बस गई एग्जिस्टिंग मशीन, या मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इधर ही कर देता हूं। एक ऑप्शन है कि एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस करा लें एक साल बाद। अच्छा, अगर एक साल बाद रिप्लेस करवाया तो क्या क्या होगा? एक तो फौरन के फौरन इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, कितनी? 5500। और चूंकि एक साल चलाएंगे इसको तो रनिंग कॉस्ट तो होगी कितनी? 2500। एक ये हल है, और एक हल ये है कि इसको 2 साल बस किसी तरह चला ले। अगर 2 साल चलाएंगे तो अभी के अभी मेंटेनेंस करानी पड़ेगी 5500, फिर साल बाद दोबारा मेंटेनेंस करानी पड़ेगी 5500, और इसको दौड़ाने का खर्चा होगा 2500 और 3500। एग्जिस्टिंग मशीन के साथ ये 3 काम हो सकते हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट बी में पूछा है कि बताएं ऑप्टिमम पॉइंट क्या है कि हम एग्जिस्टिंग मशीन को आउट ऑफ सर्विस कर दें, यानी रिटायर कर दें। तो ये 3 हो सकते हैं काम, या तो अभी छोड़ दें, या 1 साल और घसीट लें, या 2 साल घसीट लें, बस उससे ज्यादा नहीं है। तो इनमें से कौन सा बेहतर है? हाँ जी सर, लेकिन इसमें इनमें से कौन सा बेहतर है? अच्छा, हम कंसीडर खर्चे कर रहे हैं ना, या कहीं पर कुछ सेल्स वेल्स भी हैं, खर्चे तो सबसे कम खर्चा किसमें? ऑप्शन वन में। तो ये करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब पता है ऑप्शन वन में खर्चा ही, ऑप्शन वन में खर्चा ही कोई नहीं है, तो बस यही सबसे सस्ता है, तो फिर ऑप्शन वन बेहतर हो गई। हाँ, तो वो जो आगे या हमें 4 साल साइकिल में उस पर फर्क नहीं पड़ेगा? अच्छा, इसमें क्या हर्जा जो मैंने सामने किया? इसमें कंपेरेबल नहीं लग रहा है। कंपेरेबल नहीं है? क्यों कंपेरेबल नहीं है? इसमें हम एक तो हमें इसकी रीसेल वैल्यू नहीं पता। ठीक है, नहीं है, कूड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल कबाड़ है, कोई रीसेल नहीं है। इनके कंपैरिजन का कोई तुक नहीं है, क्योंकि हमने ज़ाहिर खर्चा ही कंपेयर करना है, तो अभी के मशीन छोड़ दें अभी तो ठीक है, खर्चा ही कोई नहीं होगा, तो इसलिए तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हो रहा। लेकिन हमें इसको फिर कुछ तो हल करना है। नहीं लेनी पड़ेगी, तो नहीं तो हम ऑलरेडी फैसला कर चुके ना। चूंकि इसको बेच के नई मशीन लेनी है, तो अगर अभी इसको छोड़ देंगे तो वो जो नई पे खर्चा होना है वो अभी हो जाएगा। इस सूरत में वो साल पेंडिंग हो जाएगा, इस सूरत में वो 2 साल पेंडिंग हो जाएगा, तो उस पे भी असर पड़ने वाला है, क्योंकि 20,000 रुपए अभी जेब से खर्च हो जाए, या साल बाद जेब से खर्च हो, या 2 साल बाद जेब से खर्च हो, तो उस पे फर्क पड़ने वाला है। इस पे मैं आता हूं वापस। जिन ऑप्शंस में रिपीटिशन ना हो, जैसे मुझे प्रपोजल 1 प्रपोजल 2 वाला सवाल था, उनमें रिपीटिशन नहीं थी, तो उसमें दोनों ऑप्शंस में फैसला कैसे किया था? एनपीवी कंपेयर कर ली थी। एनपीवी क्यों कंपेयर कर ली थी? क्योंकि एक तो 2 साल का था, एक 3 साल का था, फिर एनपीवी कंपेयर क्यों की थी? क्योंकि रिपीटिशन नहीं थी, तो हमें जो सस्ता पड़ेगा हम वो ऑप्शन ले लेंगे। लेकिन जब कल मैंने आपको ईएसी का कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसमें एक ऑप्शन 2 साल साइकिल थी, एक ऑप्शन 3 साल साइकिल थी, तो 2 साल का खर्चा यकीनन 3 से कम ही होना था, एनपीवी कम ही आनी थी, तो हमने एनपीवी की बेस पे फैसला इसलिए नहीं किया था क्योंकि फिर ये रिपीट होते रहना था। तो चूंकि रिपीट होते रहना था, इसलिए कंपैरिजन पर ईयर बेसिस पे किया था। इधर वापस आता हूं, इन ऑप्शंस को इसी तरह जितना लिखा हुआ है इसी तरह से क्यों कंपेयर ना कर लिया जाए? क्योंकि अभी ये पूरी पिक्चर सामने नहीं नजर आ रही। क्योंकि अगर सिर्फ इनकी बेस पे कंपेयर करना था, तो फिर कंपेयर क्या करना था? वैसे ही फैसला कर लेते कि अभी बेचो ताकि खर्चा ही कोई ना करना पड़े। साल इस्तेमाल करने, 2 साल इस्तेमाल करने पे तो खर्चा ही होना है,
तो इसलिए ये अधूरा हो रहा है कुछ। इसको कंप्लीट करने के लिए जो पार्ट ए के अंदर हमने फैसला कर लिया कि नई मशीन लेनी है, तो उस नई मशीन के खरीदने का खर्चा भी इसमें फौरन, इसमें साल बाद, इसमें दो साल बाद, तो वो भी इफेक्ट हो रहा है, तो उसको भी लाना पड़ेगा। इस सूरत में वो फौरन के फौरन जीरो पे खर्च हो जाना है। अच्छा, ये जो अभी मैं इस वक्त कर रहा हूँ ना, जो लोग नोट कर भी रहे हैं, अभी फिलहाल जो कर रहा हूँ उसको बेशक नोट ना करिएगा, अभी फिलहाल जो कर रहा हूँ जितना कर लिया नोट काफी है, पहले बात समझ लीजिएगा। न्यू मशीन हम ले आएंगे 20,000 की, और इधर न्यू मशीन कब लेंगे, बल्कि मैं कलर चेंज करता हूँ, इधर हम न्यू मशीन फौरन ले लेंगे 20,000 की, इधर न्यू मशीन कब लेंगे, वन पे के टू पे, वन पे, क्योंकि इसको खत्म करेंगे साथ ही नई मशीन ले लेंगे, और इधर न्यू मशीन कब लेंगे, पॉइंट टू पे। बस अब कर लें फैसला। खरीदने के बाद क्या होगा, फिर आगे मेंटेनेंस भी होगी। चूंकि पार्ट ए में फैसला हो चुका कि 4 ईयर साइकिल बेहतर है, और अलग से पार्ट ए पूछा हुआ था, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में ही पार्ट बी पूछा हुआ है। वैसे तो जरूरी नहीं होता कि सवाल का पार्ट बी पार्ट ए के कॉन्टेक्स्ट में ही हो, जरूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि दो बिल्कुल अलग अलग सिनेरियोज़ हों पार्ट ए पार्ट बी, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस सवाल की मजबूरी थी अज्यूम करना कि पहले पार्ट ए हुआ है फिर पार्ट बी पे आ रहे हैं, और पार्ट ए में जो डिसीजन हो चुका उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये जरूरी है, इसके अलावा और हल नहीं है जो मैं करने लगा। तो पार्ट ए में क्या फैसला हो चुका कि 4 ईयर वाला साइकिल बेस्ट है, तो इसका मतलब है कि हम इसको खरीदेंगे और उसके बाद इसकी मेंटेनेंस पे खर्चा करेंगे और इसकी रनिंग पे खर्चा करेंगे, और वो होगा 1, 2, 3, 4 पे। मेंटेनेंस करनी पड़ेगी इधर 1,000 थी शायद, और रनिंग करनी पड़ेगी 2,000, 2,400, 2,800, 2,800, 3,200, फिर इधर 2, 3, 4, 5 नई मशीन खरीदेंगे, फिर इसकी मेंटेनेंस पे खर्चा करना पड़ेगा, किधर, इधर, 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 क्यों इधर, क्योंकि अब वो 1 साल आगे खिसक गया ना, और रनिंग पे खर्चा आएगा 2,000, 2,400, 2,800, 2,800 और 3,200, और इधर 3, 4 5, 6 मेंटेनेंस, ये और आगे खिसक गया तो इधर चला जाएगा 1,000, और रनिंग 2,000, 2,400, 2,800, 3,200 अब ठीक है, अभी भी पहले वाला ही कम निकलेगा, क्योंकि ये वाले कैश फ्लोस तो हमने सेम लिखे हैं नीले वाले, लेकिन टाइम का फर्क आ गया, तो इसलिए जरूरी तो नहीं कि पहला वाला सस्ता निकलेगा। क्या हाँ
अच्छा चलें, वो तो बताई थी। अभी इस वक्त अगर मैं इसको इस तरह सॉल्व कर लूं तो क्या मसला है? सिर्फ काले वाले कैश फ्लो दिखे थे, उनके ऊपर आंसर बना लेना क्यों सही नहीं था? क्योंकि रिप्लेस नाउ ही सबसे सस्ता होना था, वहां हो ही कुछ नहीं रहा, तो ये तो बात ही कोई नहीं हुई। हमें नई मशीन का खरीदना भी लाना पड़ेगा, तो ले आए। हाँ, अब ये तीनों ऑप्शंस का टाइम पीरियड ही डिफरेंट है। वो 4 साल वाली ऑप्शन है, 5 साल वाली ऑप्शन है, 6 साल वाली ऑप्शन है। तो ईएसी का कॉन्सेप्ट बताने से पहले आपको ये बात समझाई थी कि अगर हम जिन ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं उनमें रिपीटिशन नहीं होनी, फिर तो एनपीवी कंपेयर कर लें, और जिनमें रिपीटिशन होनी है उसमें एनपीवी कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये जो नीले वाले के 4 साल 5 साल 6 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? फिर दोबारा खरीद लेंगे, फिर 4 साल बाद फिर दोबारा खरीद लेंगे, ये तो चलता रहेगा। फिर इसका मतलब ये भी गड़बड़ है। अच्छा, इसकी जगह एक और हल करते हैं। अब ये जो मैं काम इस वक्त समझा रहा हूं ना, ये बहुत ही वंस इन अ लाइफ टाइम होने वाली चीज टेस्ट है। ये इस जिस अटेम्प्ट में भी पेपर में सवाल आया होगा, स्टूडेंट को समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा। अब समझा रहा हूं, अगर इस तरह का सवाल दोबारा बन जाए तो आप कर सकें। एक दफा इस तरह का सवाल आया है 2009 में, मैं उसको ऐसे सॉल्व करता हूं, मैंने सलूशन दिया हुआ पीछे, वो होमवर्क भी दूंगा। हाँ, आई कैप का सलूशन उसका गलत था, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, अपने महदूद इल्म के मुताबिक मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, वो मैं आपको बता भी दूंगा मैं क्यों इत्तेफाक नहीं करता। तो इसलिए अगर आप इसको ऐसे ही समझ लें कि दोबारा इस तरह का सवाल आए तो आप कर सकें, अदरवाइज ये खुद किसी स्टूडेंट ने सोचना था, नहीं सोचा जाना था। अभी इस वक्त ये जो मैंने नीले नीले कैश फ्लोज लिखे हुए, पार्ट ए में इधर 20,000 बल्कि इधर 20 लिखना, फिर 4 साल तक रनिंग कॉस्ट बियर करना और तीसरे साल मेंटेनेंस लेना इज इक्विवेलेंट टू टू व्हाट? हर साल 97,66 खर्च करना। ईएसी का कॉन्सेप्ट ही क्या है कि प्लांट खरीदना, उसकी रनिंग मेंटेनेंस बर्दाश्त करना, 4 साल यूज करना, इज इक्विवेलेंट टू के 4 साल के लिए किराए पे लेते और हर साल खर्चा कितना पड़ता? 9,766। तो अगर मैं इन नीले नीले कैश फ्लोज की जगह 4,97,66 लिख दूं तो एक ही बात है कि नहीं? ईएसी यही तो है कि इसकी जगह ऐसे ही है कि अगर 97,66 आ जाए तो ये हटा देता हूं, इसकी जगह 97,66 लिख देता हूं, और वो मैं कहां कहां लिखूंगा? 1, 2, 3, 4 पे, 0, 1, 2, 3 पे, 1, 2, 3, 4 पे। तो ये सारे नीले हटा देता हूं, इसकी जगह में 97 ले आता हूं। अच्छा, इन 4 साल के बाद क्या होगा? तो फिर दोबारा ये 4 लिख देता हूं, और उनके बाद क्या होगा? तो फिर इसको मैसेज चला लेते हैं। इसी तरह इन नीले वाले कैश फ्लोस की जगह 97,66 लिख लूं, और कहां लिखूंगा? 2, 3, 4, 5 पे। इसके बाद क्या होगा? फिर यही 4 आ जाएंगे, फिर उसके बाद फिर ये, तो ये भी हमेशा चला लेते हैं। इन नीले कैश फ्लोस की जगह यही 97,66 लिख लेते हैं, कहां पर? 3, 4, 5 पे। इसके बाद क्या होगा? फिर यही 4, तो उसको भी चला लेते हैं। अब इन 3 ऑप्शंस की एनपीवी कंपेरेबल है, क्यों?
क्योंकि तीनों ऑप्शन में टाइम पीरियड सेम है, ये भी हमेशा चल रहा है, वो भी हमेशा चल रहा है, वो भी हमेशा चल रहा है। अब ये कंपेरेबल है, तो अब इन तीनों ऑप्शंस की एनपीवी निकाल लेंगे तो जो सस्ता निकलेगा वो बेहतर होगा। परपेचुटी डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो इन नीले वालों पे परपेचुटी डिस्काउंटिंग कर लेते हैं। परपेचुटी डिस्काउंटिंग करें, आर ओवर आई क्या था डिस्काउंट रेट 15%, तो इन सब की जगह पर परपेचुटी डिस्काउंटिंग होती है पहले कैश से एक पॉइंट पीछे, तो क्या आंसर आ जाएगा 6510। इसी तरह इन सब की जगह कहां पर 1 पे 65107, इन सारे नीले की जगह किस जगह पर 2 पे 65। चलें अब परपेचुटी को हटा के आपको सादे कैश फ्लोज बना दिए, अब इनकी एनपीवी निकलेगी और जो एनपीवी सबसे सस्ती होगी वो बेस्ट है। यानी जहां पर एक नए का साइकिल और एग्जिस्टिंग को कुछ साल घसीटना, इनको कंपेयर करना है, तो वो ऐसे ही सॉल्व हो सकता है। जो हमने कल क्लास में जून 19 किया था जिसमें एग्जिस्टिंग को ओवरहॉल करा के 5 साल और चला सकते थे, वहां पर ऐसी हरकत क्यों नहीं की थी? नहीं, वहां भी अगर नया प्लांट खरीदते तो उसने हमेशा ही चलना था, नया प्लांट लेना था तो आइंदा दोबारा नया ही लेना था। नहीं समझ नहीं आया, उसमें टाइम पीरियड सेम था, ओवरऑल करेंगे तो भी 5 साल चलेगा, नया खरीदेंगे तो भी 5 साल चलेगा, इसलिए एनपीवी से मसला सॉल्व हो गया था। यहां पर टाइम पीरियड डिफरेंट है, सॉल्व करके देखेंगे, शायद आए शायद ना आए, जरूरी नहीं है कि उसी में आए, नहीं डिपेंड करता है कि अगर डिस्काउंट रेट इतना ज्यादा हुआ कि इसका आगे करने से फर्क ज्यादा पड़ गया हुआ, क्योंकि देखें 65,000 का खर्चा है वो आगे चला गया है, तो हो सकता है फर्क। वैसे बजाहिर तो ये लग रहा है कि वही बेहतर होगा, और मेरा ख्याल है अक्सल में भी वही बेहतर होना है, क्योंकि वो खर्चे बहुत ज्यादा हैं, 5500 बड़ी फिगर है, तो इसलिए अभी लग तो यही रहा है कि ऑप्शन 1 ही बेहतर निकलनी है। लेकिन अब है कंपेरेबल, तो जो कल समर 19 किया था उसमें चूंकि ओवरहॉल में भी 5 साल चलना था और जो नया खरीदना था वो भी 5 साल चलना था, इसलिए साइकिल की बात ही नहीं लाने की जरूरत पड़ी, दोनों ऑप्शंस की एनपीवी कंपेयर कर ली। लेकिन यहां पर अच्छा, कल जो मैंने इलस्ट्रेशन 11 कराई थी उसमें ईएसई पे क्यों गए? कल जो इलस्ट्रेशन 11 की थी, 2 ईयर साइकिल बेहतर है कि 3 ईयर साइकिल बेहतर है? क्योंकि दोनों ही साइकिल थे, दोनों ही साइकिल थे, दोनों ने रिपीट होना था। देखें वहां पर भी एक्चुअली कंपैरिजन यही हो रहा था कि 2 ईयर साइकिल बेहतर है कि 3 ईयर साइकिल बेहतर है, दोनों ने रिपीट होना था इसलिए दोनों की ईएसी निकली। अब यहां पार्ट बी में क्या फैसला हो रहा है कि ओवरहॉल अभी करें, सॉरी अभी फॉरन रिप्लेस कर दें, साल बाद रिप्लेस कर दें, 2 साल बाद रिप्लेस कर दें, इनमें से कुछ भी रिपीटेटिव नहीं है, इनके टाइमलाइन भी फर्क है, तो इसलिए साथ इस साइकिल वाले को मिक्स करके चलाना पड़ा। ये बड़ी स्पेसिफिक किस्म की सिचुएशन है, ये कोई बहुत पुराना आई कैप का सवाल था, मैंने कल भी जिक्र किया था, मुझे भी नहीं पता था, एक बहुत पुराने स्टूडेंट ने मेरे कहा था कि ये आई कैप का है, और जून 9 में इस तरह का एक सवाल आया, तो ये वन ऑफ इट्स काइंड है। अब पूछे आप क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि ये जो एग्जिस्टिंग को घसीटने वाला ऑप्शन है इसने रिपीट नहीं होना है, तो इसलिए इसका यानी सिर्फ काली वाली फिगर्स का ईएसी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ईएसी कॉन्सेप्चुअली उस चीज का निकलेगा जिसने रिपीट होना होगा, तो एग्जिस्टिंग मशीन को 1 साल और चला लेना, 2 साल और चला लेना, तो रिपीट होने वाली चीज ही नहीं है ये, तो इसलिए इस काली वाली फिगर का तो होना ही नहीं था ईएसी, तो हमें फिर मजबूरन साथ नीले वाला साइकिल को मिलाना पड़ा और उसका पूरा साइकिल चलाना पड़ा ताकि तीनों ऑप्शंस की टाइमलाइन सेम हो जाए, और अब फिर इसकी एनपीवी पे फैसला होगा।
ये मेंटेनेंस की फिगर्स इतनी बड़ी हैं कि अभी भी ऑप्शन वन नहीं बेहतर आना है, लेकिन अगर ये फिगर्स थोड़ी होती तो हो सकता ऑप्शन थ्री बेहतर होती। हाँ जी पूछें सवाल में जो पूछना है। अच्छा परसों एक सवाल होमवर्क दिया था, वो मैंने कल डिस्कस नहीं किया था कुछ नागुजीर वजूहात की बिना पर। सवाल था क्वेश्चन नंबर 31 गौरी लिमिटेड। ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग ही सारा काम था, बस उसको शक्ल एक लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के सवाल की बनाई गई थी। तो जिन्होंने भी किया है इसको डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 31 है, आसान था तो कोई मसला नहीं। जिन्होंने किया है कुछ पूछना है, जिन्होंने किया है कुछ पूछना है। जी जी अच्छा चलें तरतीब से चल लेता हूँ क्योंकि ऑनलाइन में से हो सकता है किसी ने पूछना हो। अच्छा बता देता हूँ, सवाल आपने किया है सवाल तो सवाल करेंगे तो डिस्कशन का फायदा है ना। तीन साल का सवाल था और सेल प्राइस पहले पैराग्राफ में बताई हुई थी और इसको पढ़ के ये लगता नहीं है कि सेल प्राइस बताई हुई है, लेकिन इसके अलावा और कोई सेल प्राइस है नहीं। और रिक्वायरमेंट में कहा हुआ है कि जो प्राइस मार्केटिंग डायरेक्टर ने सजेस्ट की है तो बताएं क्या उसी प्राइस पे चलना फीजिबल है। तो मार्केटिंग डायरेक्टर की सजेशन थी ही वही, तो पहले पैराग्राफ की तीसरी लाइन में उसने कहा था कि बड़ा मुश्किल है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट मिले अगर 5000 से ज्यादा प्राइस रखी तो इसका मतलब वो कह रहे हैं 5000 रख लें, तो सेल प्राइस 5000 है।
एक प्रोडक्ट हमने 3 साल तक बेचना है और उसकी एनपीवी निकाल के फैसला करना है। कैसे पता एनपीवी निकालनी है? अच्छा, कैसे पता? लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का सवाल है, 1 से ज्यादा साल है तो उसमें एनपीवी ही होती है, उसमें बेस्ट टेक्निक एनपीवी ही होती है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ तो डिस्काउंटिंग करनी होगी। एक मेहरबानी बहरहाल इसमें की थी सवाल में कि टैक्स नहीं था तो वो 2 वर्किंग्स बच गई। यूनिट्स पहले पॉइंट में साफ साफ दिए हुए हैं तो 3 साल के यूनिट्स दिए हुए हैं। सेल प्राइस पहले पैराग्राफ में दी हुई है तो मल्टीप्लाई करके सेल्स आ जाएंगी। और इस पे इन्फ्लेशन क्यों नहीं लगाई, सेल्स पे क्यों इन्फ्लेशन नहीं लगाई? क्योंकि सेल प्राइस हमें यही रखनी पड़ेगी। अच्छा, ये कहां लिखा, बढ़ा नहीं सकते हैं जी? तो सेल्स में बताएं किसी को मसला है। यूनिट्स भी दिए हैं, सेल प्राइस भी दी हुई है और सेल प्राइस ने क्लियरली कहा हुआ है कि बढ़ानी नहीं है तो बस वो 5,000 ही रहेगी। ओके जी, पॉइंट नंबर 2, प्लानिंग डिपार्टमेंट ने हैज इनकर्ड 5 लाख फिजिबिलिटी पे तो ये संक कॉस्ट है, ये रेलिवेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 3, ये कॉस्ट आ गई मशीन की और आरवी, ये एक दफा आपको बताया था कि अगर आरवी के बारे में और वर्किंग कैपिटल के बारे में स्पेसिफिकली इन्फ्लेट करने को कहा है तो जरूर करें, नहीं कहा तो आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी अज्यूम करके नोट लिख दें। अच्छा, शुरू के सवालों में ना वर्किंग कैपिटल आईकेप के क्वेश्चंस में वो खास इन्फ्लेट नहीं था लेकिन रिसेंट अटेम्प्ट्स के अंदर है तो इसलिए वर्किंग कैपिटल के बारे में आपको कहूंगा मैं कि आप उसको इन्फ्लेट कर लिया करें। जैसे एक सवाल वो जी वाला किया था, ZCL लिमिटेड, तो उसमें वर्किंग कैपिटल नहीं किया हुआ था इन्फ्लेट लेकिन इसमें किया हुआ था। इसके बाद मेरे ख्याल में और कैफ के सवालों में होता रहा बार बार तो इसलिए वर्किंग कैपिटल में ट्रेंड यही है लेटेस्ट कि उसको कर ले इन्फ्लेट। तो वर्किंग कैपिटल को किया है इन्फ्लेट, आरवी की मर्जी है, आप चाहें उसको इन्फ्लेट कर लें चाहे रहने दें। कल जो सवाल बोर्ड पे किया था मैंने, उसमें इन्फ्लेट क्यों किया था आरवी को, क्योंकि उसने आरवी के साथ लिख दिया था करंट प्राइस है तो छेड़ रहा था आपको करो इन्फ्लेट, तो करंट प्राइस का वर्ड की वजह से इन्फ्लेट किया था। यहां पर चाहे तो कर लें चाहे रहने दें। अभी तो मैं खैर आरबी की बात कर रहा हूं, वर्किंग कैपिटल हाँ जी होना चाहिए इन्फ्लेट, वर्किंग कैपिटल होना चाहिए तो इसलिए यही कह रहा हूं कि ट्रेंड यही है कि उसको कर लिया करें इन्फ्लेट। आरबी के बारे में आपकी मर्जी है, जो मर्जी अज्यूम कर लें। और पॉइंट नंबर 4, ये 100 मिलियन है, इसको बस इन्फ्लेट करते जाना है और जो जो इसमें डिफरेंस है वो कैश फ्लो आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5, 3 तरह के मटेरियल हैं, इनकी क्वांटिटी पहले पैराग्राफ की पॉइंट नंबर 5 की अंग्रेजी से पता चलेगी और बाकी फिर इस टेबल से मिलना है जो कुछ भी है। मटेरियल ए बी जो है ना वो रेगुलर यूज का है तो फर्क ही नहीं पड़ता कि पहले से स्टॉक में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, तो रेगुलर यूज का मटीरियल हो तो उसकी अब क्या परचेज प्राइस होगी वो रेलिवेंट होती है। तो वो 500 है और उसको फिर इन्फ्लेट करना शुरू कर दिया ईयर 2 से, क्योंकि इन्फ्लेशन के बारे में कहा हुआ है कि ईयर 2 ऑनवर्ड चलानी है। दूसरा है CD7। अच्छा, AB5, ये जो AB5 है ये 5 नाम है, ये 5 नंबर नहीं है, नंबर इसका ऊपर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, 3 यूनिट्स। तो हमने 40,000 यूनिट्स पहले साल में बनाने हैं तो 40,000 × 3, दूसरे साल में 80,000 यूनिट्स बनाने हैं तो 80,000 × 3, और तीसरे साल में 50,000 बनाने हैं तो 50,000 × 3। और CD7 ये रेगुलर यूज का नहीं है। अच्छा, जब रेगुलर यूज का नहीं होता और स्टॉक में पड़ा होता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलिवेंट होती है, और अगर उसके 2 हल हों तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है दोनों में से ज्यादा। तो CD7 का एक हल तो ये था कि इसको हम 220 का बेच देते और दूसरा हल ये था कि इसको एक अल्टरनेटिव मटेरियल में कन्वर्ट कर लेते। अगर अल्टरनेटिव मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं तो 300 का फायदा है, 300 कैसे, 540 माइनस खर्चा 240, और अगर बेचते हैं तो 220 है तो इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेंगे हम 300। लेकिन ये सिर्फ उन पे लगेगी बात जो स्टॉक में पड़े हुए हैं, जब वो खत्म हो जाएंगे तो फिर तो नए ही खरीदने पड़ेंगे। तो जो हमें ईयर 1 में 80,000 चाहिए थे
नहीं 80 नहीं, हाँ 80 चाहिए थे, वो तो इन पड़े हुए में से पूरे हो जाएंगे, उन पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलिवेंट है। अगले साल 10,000 पड़े हुए में से होंगे और बाकी नए खरीदने पड़ेंगे, तो जो नए खरीदने पड़ेंगे वो तो 330 के ही आएंगे, जो 10,000 पड़े होंगे उन पे फिर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली बात लग जाएगी। ये पूछ रहे थे, 3D7 पूछ रहे थे ना आप? हाँ अच्छा अच्छा, CD7 भी पूछ रहा था कोई जी, वो होगी बात क्लियर। और EF2 भी ऐसे ही है कि जितना स्टॉक में पड़ा है उसकी रेलिवेंट कॉस्ट बस यही NRV ही है, जो कि 75 - 25 50 है, तो उसके लिए 50 यूज करेंगे और जो बाकी मजीद हैं वो फिर नए खरीदेंगे। ये मटेरियल हो गया। स्किल्ड लेबर, इनके आइडल आवर्स अवेलेबल हैं और उनको फारिग बिठा के 70% देना था, तो 30 जो है वो रेलिवेंट, लेकिन किसका 30%? उनके बेसिक वेज रेट का। वो बेसिक वेज रेट दिया नहीं हुआ, वो निकालना पड़ेगा। वो ऐसे के एक बंदे को महीने में 200 घंटे काम करा के 30,000 रुपए देते हैं तो उससे परार निकल आएगा, और अनस्किल्ड के लिए 35,000 को 200 से डिवाइड करके, जो नया वाला होगा, जो एग्जिस्टिंग वाला है उसका 30,000 डिवाइड बाय 200 है, और जो नया बंदा लाना पड़ेगा उसका 35,000 डिवाइड बाय 200। तो इसको वो आइडल आवर्स के जरिए सॉल्व करेंगे, और जो अनस्किल्ड है वो तो इन एनी केस नए ही लाने पड़ेंगे। और ये आपको बात रेलिवेंट कॉस्टिंग में बताई थी कि जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, तो जो उसमें से फिक्स्ड वाला है वो इररेलीवेंट होता है, वेरिएबल बिल्कुल रेलिवेंट है, तो इस 150 में से वेरिएबल वाला यूज किया है बस। और इसमें आपने कुछ पूछना है तो पूछे। हाँ जी चल ठीक है जी। अच्छा कल मैंने आपको पढ़ाया था EAC और EAC की प्रैक्टिस व्यूअर्स, ठीक है मुनासिब सी हो गई। दूसरा था LCM मेथड। अच्छा पता नहीं आपने कैसे कैसे बचपन में पढ़ा हो, जैसे भी पढ़ा हो, LCM कैसे निकालते हैं, उस तरह किस तरह? अच्छा 3, 6 और 18 इसका LCM क्या होगा? 3 होगा। अच्छा घूरने से नहीं निकलता होता, ये कोई मेथड नहीं है घूरना। LCM कैसे निकालते हैं? 12, 18 के पहाड़े में 12 आएगा, 3 लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, वो सबसे छोटी फिगर जो इन तीनों के टेबल में आएगी, तो 12 थोड़ी 18 के टेबल में सकता है, 3 नहीं है 18 है। अच्छा इसका तरीका सिखाता हूँ आपको, क्या तरीका होता है जी, सबसे छोटे से स्टार्ट कर लेते हैं, चलें 3, 2 से भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन 2 से ही होना नहीं है, तो 1, 2, 6 फिर 2 से कर लेते हैं, 1, 3 अब 3 से कर लेते हैं, इनका मल्टीपल ले ले, 3 × 6, 6 × 18 तो इसका LCM है 18। अच्छा जी 4 और 6 का LCM, चार के पहाड़े में 6 आता है, हाँ जी 12। ये कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं?
तीसरी में मेरे ख्याल अब तो वो मतलब पहली क्लास में अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। हाँ जी टू में टू थ्री टू में निकाल दें वन थ्री है दो दुनी चार चार या बारह बारह। अच्छा अच्छा ये एग्जाम प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको शुगर नहीं लगा रहा आप। हाँ जी बारह ठीक है बारह और चार और आठ आठ ही आठ चले एलसीएम तो आप वो आ गया एलसीएम मेथड पे आते हैं। एलसीएम मेथड क्या है? नहीं नहीं करना पड़ेगा एलसीएम पेपर में। कल जो किया था ना इलस्ट्रेशन 11 उसका डाटा मुझे बताएं दोबारा। एक ऑप्शन थी टू ईयर इसमें था जीरो वन टू पे प्लांट था 1.5 लाख का नहीं 5 लाख का इलस्ट्रेशन 11 5 लाख का था 5 लाख का आरवी 2 लाख थी रनिंग मेंटेनेंस 30 और 40 थ्री ईयर साइकिल वाले में प्लांट 500 और आरवी है। अच्छा इसमें ये मैं आपको अलग लिख देता हूँ आरवी इधर भी अलग लिख देता हूँ टू हंड्रेड। अच्छा जी कितनी थी आरवी 100 और रनिंग मेंटेनेंस 30 40 45। इन दोनों को अगर एनपीवीज से कर लें तो क्यों नहीं कंपेरेबल? क्योंकि इन दोनों ने रिपीट होना है और टाइम टेबल नहीं इनका टाइम लाइन सेम नहीं है। अगर रिपीट ना होना होता तो फिर इनकी एनपीवी कंपेयर करते। रिपीटिशन है इसलिए इनकी एनपीवी कंपेयर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इनकी एनपीवी कंपेयर करना तुक नहीं बनता। वो 2 साल का खर्चा है 3 साल का खर्चा। अगर टाइमलाइन सेम होती तो फिर कर लेते इस ऑप्शन में टाइम 2 है इसमें 3 है। 2 और 3 का एलसीएम कितना 6। इसका भी साइकिल चला लेते हैं सवाल को एलसीएम तक बढ़ा लिया। अब साइकिल जितनी बार चलता है चला लेते हैं। ये नीले वाला साइकिल ये 2 में खत्म हो गया अब दोबारा खरीद लेंगे कब थ्री जज्बाती आंसर है इधर खरीदेंगे ईयर 3 स्टार्ट होते ही खरीद लें बल्कि वो बेचेंगे इसी शाम को नया खरीद लेंगे। फिर आगे यही वाला 30, 40 और 200 फिर दोबारा खरीद लेंगे 30, 40 और 200 फिर दोबारा खरीद लेंगे। पहले तो खरीद रहे थे अगर खरीद लिया तो फिर 7 और 8 भी बनाना पड़ेगा मुझे। अगर यहां खरीदना दिखा दिया तो फिर 7 और 8 भी बनाना पड़ेगा। ये 3 पे दोबारा खरीद लेते हैं और इधर बेच देते हैं इधर 30, 40 और 45। अब इन दोनों ऑप्शंस की एनपीवी कंपेरेबल है क्यों? ये एलसीएम मेथड होता है।
कि जब दोनों ऑप्शंस कंपेरेबल हों, दोनों ऑप्शंस रिपीटेटिव हों लेकिन टाइमलाइन डिफरेंट हो, तो फिर सवाल को एलसीएम तक फैला लें ताकि टाइमलाइन सेम हो जाए। और अब एनपीवी निकालने हैं, एलसीएम 18 आ जाए। एक दफा ये बड़ा इशू बना था, बल्कि हाँ ये ना अटेम्प्ट थी समर 2016 और उसमें सवाल आया 12 नंबर का शायद, उसका एलसीएम आता था 12, दो ऑप्शंस थी, एलसीएम 12 बनता था और कैश फ्लोज भी थे उसमें, इन्फ्लेशन भी थी हर एक की अलग अलग, तो दोनों ऑप्शंस 12-12 लाइन आइटम्स तक जानी थी। तो उसके ऊपर फिर बहुत किसी जियाले ने ना आई कैप को बड़ी खड़का के मेल भी की, उसने मुझसे भी कुछ पूछा, मैंने कहा नहीं ये गलत है, फिर उसने आगे मेल में कोट भी किया कि सर नासर ने भी कहा गलत है, उन्होंने भी कहा गलत है। तो इतना उन्होंने फिर एक कैंपेन चलाई स्टूडेंट्स ने कि आई कैप ने एक पूरा सेशन कंडक्ट किया आई कैप में कि बताएं आप लोगों के क्या इश्यूज हैं, फिर इसके ऊपर बहुत सारे इश्यूज आए थे। तो ये आ चुका है दवा, उसके एलसीएम 12-12 बनता था लेकिन आई कैप ने अपने सोल्यूशन में इसको ईएसी से किया हुआ था। जो कि वो गलत था क्योंकि आई कैप की अपनी बुक में लिखा हुआ है कि इन्फ्लेशन हो तो फिर ईएसी नहीं लगता, लेकिन उन्होंने ईएसी से किया हुआ था। बहरहाल एलसीएम तब लगेगा जब इन्फ्लेशन हो, वरना ईएसी बहुत है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन हो तो फिर ईएसी नहीं हो सकता लॉजिकली, फिर एलसीएम करना पड़ेगा। तो एलसीएम मेथड में हर ऑप्शन में जितने टाइमलाइन हैं, जैसे अगर सवाल में तीन ऑप्शंस होती हैं, 2-year cycle, 3-year cycle, 4-year cycle, तो फिर एलसीएम 12 होता, फिर तीनों ऑप्शंस को 12-12 तक सॉल्व करना पड़ता और फिर एनपीवी की बेस पे सॉल्व करते। तो ये मैंने बुक में थोड़ी सी कहानी चार लाइनों में लिखी हुई है, पढ़नी हो तो पढ़ लें, पेज 36-37 पे, पेज 37 पे दो चार लाइनों में लिखी हुई है बात, ये पढ़ लें पढ़नी है तो। और इसको पढ़ने के बाद आप अभी सवाल सॉल्व कर दें, क्वेश्चन क्वेश्चन 11 जी, CDN लिमिटेड दिसंबर 2012 अटेम्प्ट का सवाल है, ये आप अभी कर दें, है जी। क्वेश्चन नंबर 11 CDN लिमिटेड दिसंबर 2012 का सवाल है, 10 मिनट का टारगेट रखें, हो जाएगा वैसे। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट बी CDN लिमिटेड दिसंबर 12 अटेम्प्ट का सवाल है, आप अभी कर दीजिए।
Thank you.
दस मिनट तो हो गए। अच्छा, पेपर में कॉलम बनाते हुए ना पेज पे पहले थोड़ा अंदाजा कर लें, मतलब आप जब खुल के लिखना शुरू करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 तो आप पहले अंदाजा कर लें कितनी कितनी जगह चाहिए। अगर ज्यादा जगह चाहिए तो आप दो शीट्स मिला के कर लें, कोई मसला नहीं है। आप दो शीट्स मिला के एक सोल्यूशन कर लें, कोई इशू नहीं है। नहीं तो दूसरी शीट भी तो स्कैन करेंगे ना, वो कौन सा को दो साल बाद देखेंगे, वो नजर आ जाएगा ना उनको। यार आर्टिकल स्टूडेंट थोड़ी करा रहे हैं चेक। हैं? पता नहीं, देख लें। किधर थे? पेपर में कैसे करोगे? लिख के करो ना, पेपर में अचानक आ जाएगा। लिख के करो सॉल्व। चलो शुक्रिया यार। तो ये भी ना लिखते?
ऐसे कर, अगर ऐसे कर लेते हैं तो कर ले, लेकिन वो लाइनें सीधी सीधी नहीं रहती, 7, 8, 9, 10 जाऊंगा। इन्फ्लेशन किधर है? तो ईएसी तो नहीं लगाना है इसमें? इसमें कब का ईएसी लगाना है? अच्छा। यार अभी एलसीएम पड़ा है तो एलसीएम का सवाल दूंगा ना। इन्फ्लेशन है ना इस सवाल में, तो फिर इन्फ्लेशन है जब अलग अलग तो लगेगी इन्फ्लेशन। बहुत ज्यादा नहीं इन्फ्लेट हो गया? कितने परसेंट इन्फ्लेट किया? 10%। अच्छा, यार जब सामने बैठे हुए 100% लोग नहीं कर रहे हैं, तो कैमरे वाले पार तो कर ही नहीं रहे होंगे।
चलें, जो लोग कर रहे थे कर लिया होगा। ये आसान काम ही है, इसमें मैक्सिमम जो मैंने देखा है जो लोग गलती कर जाते हैं वो मेनफ्लेशन ठीक नहीं कर पाएंगे। जैसे 130 है ईयर वन वाली मेंटेनेंस, 130,000, ये सारी फिगर्स रियल धीमी है। कैसे पता? कहा हुआ है सारी करंट प्राइसेस है। तो जब आप ईयर वन में इस 130,000 को लिखेंगे तो इन्फ्लेट करेंगे कितनी पावर, लेकिन जब साइकिल रिपीट होगा और उसको फिर से ईयर फोर में जाके लिखेंगे तो वे पावर फोर इन्फ्लेट करेंगे। ये इसमें गलती हो जाती है और बाकी तो उसमें कुछ भी नहीं है। तीनों आइटम्स का इन्फ्लेशन रेट अलग अलग है, इसलिए ये ईएसी से हो ही नहीं सकता। अगर इन्फ्लेशन रेट सेम हो ना, सेम, तो फिर ये ईएसी से हो सकता है। उसमें इन्फ्लेशन इग्नोर हो जाएगी और डिस्काउंट रेट भी कौन सा लेंगे, रियल वाला। लेकिन इन्फ्लेशन रेट्स डिफरेंट हैं तो ये ईएसी से होना गलत है, इसलिए एलसीएम से ही करना पड़ेगा। जी करके ये जो डिस्काउंट रेट है 18%, हाँ इसको मैं रियल बनाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको बताया था बाय डिफॉल्ट नॉमिनल होता है, तो उसको रियल बनाना पड़ेगा। फिर वो जनरल इन्फ्लेशन रेट अलग से बताता। यानी अगर इस सवाल के अंदर उसने कैश फ्लोज रियल बताए हैं ताकि आप नॉमिनल बनाएं, और डिस्काउंट रेट भी रियल बताया होता तो उसके लिए इन्फ्लेशन रेट भी जनरल वाला अलग से दिया होता। आई कैप में जो क्वेश्चन आया था उससे अगला है, उन्होंने ये चीज भड़का दिया था इसको। नहीं लेकिन आप एलसीएम से करें ना, वो ईएसी गलत है उसका, सही नहीं है। अब ऐसे बेहतरियां हो गई हुई हैं, 16 तो पुरानी बात है, लेकिन कुछ 17 ऑनवर्ड अब इनके सॉल्यूशन भी रिव्यू होते हैं और पेपर भी रिव्यू होते हैं। पेपर बहरहाल टीचर रिव्यू नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, लेकिन मार्किंग से पहले सॉल्यूशन भी रिव्यू होते हैं और बकायदा पेड असाइनमेंट्स होती हैं और पेपर भी रिव्यू होते हैं। तो अब बेहतरीन, मतलब लास्ट एक दो अटेम्प्ट के पेपर बड़े अच्छे लिखे हुए हैं अंग्रेजी। लास्ट टाइम तो खैर इतनी अच्छी अंग्रेजी लिख दी थी कि वो अंग्रेजी लिखता ही चला गया, सवाल खत्म करना भूल गया तो वो सवाल पढ़ते ही रह गए लोग, पेपर ही नहीं पूरे कर सके क्योंकि उसने अंग्रेजी अच्छी लिखने की कोशिश की और लिखता ही गया। तो इस दफा तो बड़े लंबे लंबे सवाल लिखे हुए थे आसान, लेकिन अंग्रेजी बड़ी लंबी लंबी लिखी हुई थी। तो अब अच्छे ड्राफ्टेड सवाल होते हैं, उस वक्त ये बोंगियां ज्यादा होती थी। हैं कौन से वो वाले, कौन से रीसेंट अटेम्प्ट वाले? हाँ हाँ, जिस चैप्टर का होगा वो करते जाएंगे। जी इसमें सवालिया निशान किधर था, समझ नहीं आया मुझे। 130 का इन्फ्लेट करेंगे पावर प्राइस लेकर, मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है। आपने सवाल क्या पूछा, दोबारा बोले। 0.5 पे जो हम लिखेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट 130 को, नहीं वो तो डिपेंड करता है कौन सा 2 ईयर साइकिल पूछ रहे हैं, 3 ईयर साइकिल पूछ रहे हैं। देखें अगर आप 2 ईयर साइकिल पूछ रहे हैं तो ये चले सामने यही बना हुआ है, एलसीएम क्या है उसमें, चलो सिक्स ही है। अगर 2 ईयर साइकिल पूछ रहे हैं ये वाला, तो जो ईयर वन में 130 लिखा हुआ है वो यहाँ आना है, वो यहाँ आना है और यहाँ आना है। यहाँ लिखेंगे तो पावर 1 इन्फ्लेट करना है, यहाँ लिखेंगे तो पावर 3 इन्फ्लेट करना है, यहाँ लिखेंगे तो पावर 5 इन्फ्लेट करना है। लेकिन जब 3 ईयर साइकिल लिखेंगे तो 130 यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। अब यहां लिखते हुए 130 को पावर 4 इन्फ्लेट करेंगे। अच्छा सर, इसके अंदर 2 इयर्स का जो है, इसके अंदर ये है कि ईयर के लास्ट डे में वो सेल भी हो जाएगा और बाय भी होगा। अगली सुबह बाय करेंगे, अगली सुबह बाय करेंगे, बाय अगली सुबह करेंगे, क्योंकि इससे फिर अगर उसी वक्त शाम को बाय कर लिया ना तो टैक्स का घपला हो जाना है। हाँ जी, एक साल हो गया और वन से टू पे दो साल हो गए, हाँ जी, मतलब 1 जनवरी 3 को। और रेजिडेंट वैल्यू भी इसी के लिए, हाँ जी ऐसे ही है। तो अभी खरीदेंगे आप
मैंने वो जो एंड पे एक डेप्शन ले ली थी फॉरन, आप थे उस क्लास में, परसों किया मैंने शायद, थे ना उसमें। ये जो आरवी है ना, ये हम ईयर टू के एंड पे एसेट बेचेंगे। इस सवाल में बेशक टैक्स नहीं है, लेकिन मैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। टू ईयर साइकिल में आरवी तो ईयर टू के एंड पे ही आएगी। नया एसेट खरीदना टाइम लाइन में पॉइंट टू में ही है, लेकिन उसका खरीदना ईयर थ्री का स्टार्ट रख लेंगे। हाँ, अगर आपने उसको एंड ऑफ ईयर टू ही ले लिया तो बिला वजह की अपनी मेहनत बढ़ा लेंगे, डेप्शन फालतू कैलकुलेट करनी पड़ जाएगी। तो ये ईयर टू एंड होते ही बिक जाएगा, और अभी शाम को बेच के घर आएंगे, आराम करेंगे, अगली सुबह फिर खरीदने जाएंगे, तो वो फिर ईयर थ्री के स्टार्ट पे खरीद रहे होंगे। लिखा वो टाइम टू पे है, लेकिन एक्चुअली वो ईयर थ्री के स्टार्ट पे खरीद रहे होंगे। हाँ जी, और कंफ्यूजन पूछें इससे रिलेटेड, जिन्होंने सवाल किया है इस सवाल से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछें। चलें, ये एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन काफी है जी। अच्छा, इसका एक सवाल, होमवर्क कर दीजिए आप अगली क्लास में आने से पहले, वो है जून 9 वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, इसकी वजह बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं कह रहा हूं कि इसमें जो पॉइंट नंबर 4 में कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा हुआ है 17%, क्वेश्चन नंबर 14, ये आप होमवर्क कर दीजिए। क्वेश्चन 14 है, जून 2009, UVW रेंटल सर्विसेज, ये जो भी मैंने कामिल लिमिटेड वाला किया था ना, तो ये उससे कुछ मिलता जुलता सवाल था, और इसके आईकैप के सॉल्यूशन से मुझे शदीद इख्तलाफ है। आप जब कराएंगे तो मैं बताऊंगा मुझे क्यों इख्तलाफ है। ये कामिल लिमिटेड वाले पैटर्न का सवाल है, UVW रेंटल सर्विसेज, क्वेश्चन नंबर 14। ये करके जरूर आइएगा। है, हाँ, मैंने तो अपनी बुक में अपना सॉल्यूशन डाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 रखा हुआ मैंने चैप्टर में, UVW रेंटल्स, जून 2009। ये करके जरूर आइएगा, इसमें होंगे मसले आपको वो करूंगा डिस्कस, क्योंकि ये वन ऑफ इट्स काइंड सवाल है ये, और BFD के पेपर में ये होता है अक्सर कि पुराना कोई सवाल उठा के रिपीट हो जाता है, तो उस लिहाज से ये इसलिए जरूर करिएगा। और अगर आपको लगे बहुत पुराना सवाल है तो नहीं, 2019 दिसंबर 2011 का एक सवाल रिपीट हुआ था, तो इसलिए ये हो सकते हैं सवाल रिपीट पुराने। क्या जी, जब आप ये सवाल करें तो इसकी वजह फिलहाल वजह के बाहर कर दें, फिर आप जब सवाल करके आएंगे मैं डिस्कस करूंगा तो उसकी वजह बता दूंगा। पॉइंट नंबर 4 में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा हुआ है 17%, ये नॉमिनल है, ये नॉमिनल है, और इस सवाल को आप ईएसी से बिल्कुल कामिल लिमिटेड की तरह है, रियल कैश फ्लो से सवाल करिएगा, तो डिस्काउंट रेट भी क्या चाहिए होगा, रियल। तो जो 17% है वो नॉमिनल है। ये क्यों नॉमिनल है इसकी वजह बताऊंगा, अभी बस आपको कह रहा हूं तो आप कराइएगा। ये 17% नॉमिनल रेट है, इसको रियल बनाएंगे फिर आप रियल से सवाल करिएगा, और जब कराएंगे तो फिर इसके मसाइल डिस्कस करूंगा। अच्छा, ये एक तो जरूर कर लीजिएगा। दूसरा एक सवाल हस्बे तौफीक है, अगर वो करना चाहे तो कर ले, नहीं तो जबानी देख लें, बहुत है। वो है वो सवाल जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी, क्वेश्चन नंबर 12। ये आप जबानी देख लीजिएगा, काफी है, कोई करना चाहे, कोई वेला हो तो कर ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि LCM 12 आता है इसका। तो दो ऑप्शन है, और ये सवाल स्टूडेंट्स तकरीबन सब ने किया था, क्योंकि उनको पेपर में आते यही था तो उनका जो आता है वो तो अच्छा करे ना, तो 17 नंबर का सवाल था। खैर है, सब ने 12 साल का सवाल तो अटेम्प्ट किया था ये, तो इस सवाल को आप अगर जबानी भी देख लें तो भी बहुत है, क्योंकि LCM यही है, LCM मेथड डन, तो आप इस सवाल की फिगर्स बस देख भी लें तो बहुत है। इसको मुश्किल बनाने के लिए उन्होंने इसमें टैक्स डाल दिया था, यानी दो ऑप्शन में 12 साल की डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करवानी है, इन्फ्लेशन भी डालनी है, तो उस लिहाज से इसको आप बस जबानी देख लें तो भी बहुत है।
मैंने बड़ी मुश्किल से फॉन्ट छोटा करके उसको पेज पे कॉपी किया था, वरना 12 तक बहुत जाना था, तो जो कि बड़ा फॉन्ट साइज छोटा करके मुझे टेबल डालना पड़ा है, तो मैंने वर्किंग्स नहीं शो की, नहीं वर्किंग्स शो नहीं मैंने की, नहीं बस इन्फ्लेट किया हुआ, तो आप खुद ही इन्फ्लेट करके चेक कर सकते हैं। जी 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 नहीं नहीं कर सकते हैं, देखें आप ना पेपर को, अगर आप ये आंसर शीट है, अगर आप ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है, उससे फायदा ये होता है कि आपको ना लाइनें मिल जाती हैं। जब आप ऐसे करते हैं ना तो आप लिखना शुरू करते हैं यहाँ से, वो तो लिखते लिखते ऐसे हो जाते हैं, तो इसलिए अगर आप ऐसे मिला लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसे कर लें सवाल तो भी ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल हो, बस सोल्यूशन सही होना चाहिए और समझ करने वाले को भी समझ आना चाहिए और पेपर मार्क करने वाले को भी समझ आना चाहिए बस। ठीक है जी, लेक्चर 18 यहीं एंड करते हैं और फिर 19 में मैं आपको फाइनेंसिंग डिसीजन शुरू कराता हूँ।